बड्डे सरकार के कारण बदायूं की भूमि को विश्व भर में नमन किया जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसे बड्डे सरकार की चार दीवारी के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनने वालों का दिल कांप जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिक आस्था के चलते विश्वास नहीं करते। अब अंदर की कहानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने वाले स्तब्ध हैं। वीडियो और शिकायत पुलिस तक पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक जांच में ही जुटी है। बताया जा रहा है कि जब तक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी वारदातें नहीं रुक पाएंगी। आज इसलिए यहाँ किस लिए आई हो? इसलिए आए हैं क्योंकि आज ये लड़की बच गई, इसके संग कुछ गलत होने वाला था। जो और लड़कियों के संग होता चला है बलात्कार, हम इसलिए अन्याय के लिए आए ताकि इसके और लोगों के संग गलत नहीं हो। मतलब बलात्कार कौन करता है वहाँ पर? वो राहत नाम है आदमी का, बड़े सरकार में रहता है, चिन्नी चादर की दुकान है उसकी। कम रूम में ले जाता है और नशा देता है, और मतलब नशे को देगा पिला के और बलात्कार करता है लड़कियों के साथ। कितने लोगों के साथ आपकी जानकारी? कम से कम ऐसे होगा मेरे जरिए से तो 300-400 तो मेरे सामने कर चुका है, सबूतों में खुद। यहाँ आपने कहीं जो है प्रार्थना पत्र दिए कार्रवाई के लिए? आपने बड़े सरकार कहीं चौकी थाने पर गई कोतवाली में? जी गई थी, बड़े सरकार गई थी पुलिस चौकी पे। दिनांक 13 मई 2024 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि बदायूं जनपद स्थित बड़े सरकार जियारत पर रहने वाला राहत नाम का व्यक्ति महिलाओं के साथ अनैतिक व गलत कार्य करता है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य विवेचना से प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।